गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th, हमारी डेट 15 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। हमें जो अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है उसके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो हमें देखना है। आपकी एक्टिविटी वन है, दो एक्टिविटीज़ आपको दी हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहली एक्टिविटी है, दो आपको हेल्दी पॉटेड प्लांट्स हैं, पौधे जिसमें उगे हुए हैं, ऐसे आपको पॉट्स हैं, जो गमले हैं वो हैं आपके पास, जो सेम साइज़ के हैं, ठीक है। उनको डार्क रूम में रखा गया है, अंधेरे के रूम में 3 दिन के लिए। उसके बाद हर एक प्लांट को अलग अलग ग्लास प्लेट्स के अंदर रख दिया गया है। एक जो वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास मतलब जिसके आर पार आपको दिखता है, कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। बोथ प्लांट्स आर कवर्ड विद सेपरेट बेल जार से शोन इन द फिगर। इनको बेल जार से, अलग अलग बेल जार से इनको ढक दिया गया है। और एक जो आपका मतलब एक पौधे के पास क्या रख दिया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। एक प्लांट के साथ क्या रख दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है, मतलब KOH रखा हुआ है। उसके बाद जो वेसलीन है उसको यूज किया गया ताकि टू सील द बॉटम ऑफ जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयरटाइट। एयरटाइट रखने के लिए सेटअप को क्या किया गया है, इसमें वेसलीन लगाया गया है बॉटम में नीचे, ताकि मतलब हवा है जो ना बाहर जा सके, मतलब जो वैक्यूम रह सके एक तरीके से, अंदर मतलब बाहर से कोई हवा ना आ सके, ठीक है, और ना अंदर से बाहर जा सके। जो प्लांट्स हैं उसके बाद उनको रखा गया सनलाइट के लिए कुछ टाइम के लिए, उनको सन की लाइट में रखा गया, सनलाइट में रखा गया। तो एक जो लीफ है हर एक प्लांट से वो तोड़ा गया, प्लग किया गया एंड चेक्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और उन लीव्स में स्टार्च में रखा, उस स्टार्च के लिए उन लीव्स की ऑब्जर्वेशन हमने की, देखा उनको, ठीक है। तो आपको बताना है, फर्स्ट, डू बोथ द लीव्स शो प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, जस्टिफाई योर आंसर। इससे पूछा है कि दोनों प्लांट्स में जिसके साथ एक तो KOH रखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, और एक जो जिसके साथ नहीं रखा था, क्या दोनों के दोनों में आपको बताना है सेम स्टार्च था। तो आप लिखोगे, बोथ प्लांट्स डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ सेम स्टार्च बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2। दोनों में सेम स्टार्च नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो स्टार्च है वो कैसे बनता है, सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 की हेल्प से, है ना। लेकिन जो फर्स्ट सेटअप है उसमें जो CO2 है वो कम होगी फॉर मेकिंग स्टार्च, स्टार्च बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, उसको सोखता है। और अगर वो CO2 की प्रेजेंस कम होगी तो आपका जो प्लांट है उसमें जो स्टार्च है वो इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KOH इन द एक्टिविटी। KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका क्या फंक्शन एक्टिविटी में। तो अभी मैंने आपको बताया, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्सपेरिमेंट में यूज किया हुआ गया है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द प्लांट, जो पौधा है उसके अंदर से CO2 को एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके, ठीक है। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी पुट वेसलीन एट द बॉटम ऑफ द जार्स, मतलब जो जार्स है उनके नीचे वेसलीन क्यों लगाई गई थी, उसको जो जार्स है उनको एयर टाइट बनाने के लिए, ठीक है ना। वेसलीन इज यूज्ड टू मेक द जार्स एयर टाइट। क्वेश्चन नंबर 4, वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने एक्टिविटी की और कार्बन डाइऑक्साइड लेस था तो हमने देखा जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस नहीं हो सकता, जो स्टार्च है, क्योंकि जो उनका फूड है जैसे हमारे अंदर है, एनर्जी में कैसे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। ऐसे ही प्लांट्स है, उनको जो स्टार्च है वही एक तरह से ग्लूकोज होता है, तो वो क्या, उनको अगर वो नहीं मिल पाएगा, उनका फूड उनको कम मिलेगी वो, तो उनका फूड नहीं मिल पाएगा और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए जो फोटोसिंथेसिस है वो, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नेसेसरी है, ठीक है। हो गया ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी। नाउ मूव टू आवर सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी है, सेकेंड में आपको बोला है एक सिरिंज है, जो सुआ इंजेक्शन जो होता है, या फिर एक पिचकारी ले लो, उसको यूज़ किया गया है टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। उस पिचकारी को यूज़ किया गया है ताकि जो फ्रेश लाइम वाटर है उसके अंदर से टेस्ट ट्यूब में से उसके अंदर जो फ्रेश लाइम वाटर है वो डाल सकें, ठीक है। पास टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश एयर वाटर, लाइम, कुछ जो लाइम वाटर है उसके अंदर से फ्रेश एयर हम डाल सकें, तो उसके लिए हमने सिरिंज या पिचकारी यूज़ किया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल यू नोटिस इन द लाइम वाटर, लाइम वाटर में क्या आप नोटिस करोगे, तो जो लाइम वाटर वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एयर इज ब्लोन थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर विद अ स्ट्रॉ और पाइप। जो एयर है, जो हवा है वो हमने ब्लो की है एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में, स्ट्रो की मदद से या पाइप की वजह से हवा मारी है हमने, तो क्या होगा लाइम वाटर में, तो वो भी मिल्की हो जाएगा। टर्म्स मिल्की, दोनों का आंसर सेम है, अभी आंसर में शो कर दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट, व्हाट विच टेस्ट ट्यूब टेक लॉन्गर टाइम टू शो चेंज इन कलर, कौन सी टेस्ट ट्यूब ज़्यादा टाइम लेगी वो करने के लिए, शो करने के लिए कलर चेंज। तो आप लिखोगे ए वाला, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है।
सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर. फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर क्यों लिया है, क्योंकि वो क्या करेगा बेटा, मतलब जो एटमोस्फेरिक CO2 है उसके साथ रिएक्ट ना करे इसलिए. ठीक है. What does this activity tell us about the amount of carbon dioxide in air that we breathe out? इससे क्या पता लगता है इस activity से? इस activity से ये पता लगता है exhale के time पे जो हमारी जो oxygen है, जो exhale के time पे जो हमारी oxygen है वो क्या होती है, कम होती है as compared to carbon dioxide जब हम inhale करते हैं. ठीक है. उससे inhale के साथ comparison किया है, सांस छोड़ते हैं और जब लेते हैं दोनों की बीच में तुलना की. एक बार मैं फटाफट से आपको फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है what change will you notice in the lime water? तो आप लिखोगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. सेकंड का भी सेम आंसर है व्हाट चेंज विल यू नोटिस इन लाइम वाटर, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. नाउ थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन व्हिच टेस्ट ट्यूब, कौन सा टेस्ट ट्यूब लॉन्गर टाइम लेगा, टेस्ट ट्यूब ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर, टू अवॉइड रिएक्शन विद एटमोस्फेरिक CO2. जो एटमोस्फेयर में CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट ना करे इसलिए हमने फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर ही लिया है. फिफ्थ है व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल अस अबाउट, ये एक्टिविटी में क्या बताती है अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट. जो हवा से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस में जिसका यूज करते हैं उससे जो ये एक्टिविटी है वो मतलब क्या बताती है. तो लिखोगे व्हेन वी एक्सहेल, जब हम एक्सहेल करते हैं सांस छोड़ते हैं, वी ब्रीथ आउट लेस ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं कम सांस लेते हैं लेकिन कार्बन ज्यादा लेते हैं, देन वी इनहेल के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो. ठीक है. तो ये आज आपकी दो एक्टिविटीज थी, उस पर बेस्ड ये 9 questions थे, 4 पहली एक्टिविटी में, 5 लास्ट और सेकेंड एक्टिविटी में. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया. कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.